नमस्कार दोस्तों, जी के रफ्तार चैनल पर आपका स्वागत है। तीन भर्तियों से जुड़ी नई अपडेट के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि चंडीगढ़ के अंदर जो होमगार्ड की वैकेंसी निकली थी, उस भर्ती को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस ड्राइवर भर्ती के बारे में। अनिल विज ने बताया है कि हरियाणा पुलिस के अंदर अभी तक जो सिपाही और SI है, वो ही गाड़ी चलाने का काम करते थे, लेकिन अब गाड़ी चलाने के लिए हरियाणा पुलिस में ड्राइवरों की वैकेंसी निकाली जाएगी। इसको लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को जो एक लिस्ट है वो बनाकर भेजने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर मीटिंग की गई है। हरियाणा अलग होने के बाद से कोई भी स्पेशल चालकों की भर्ती नहीं निकली है, अब ये भर्ती निकलने जा रही है। इन भर्तियों को पूरा करवाने के लिए शीतकालीन सत्र से पहले पहले इस पर मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगवाने की तैयारी है। दूसरी अपडेट है, चंडीगढ़ पुलिस में नौकरी का मौका, 951 कांस्टेबल होंगे भर्ती। इसके बारे में आपको पता चल गया होगा, मार्च 2023 तक विभाग में सभी पद भरने का लक्ष्य लिया गया है और 951 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती जल्द होने वाली है। इसको लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। लगातार अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा।